Hi friends, this is Parvinder. You are all welcome for our channel Bollywood and Indian Pakistan Industry. दोस्तों आज इस वीडियो का मकसद बेसिकली हम लोग बुली कुत्ता के बारे में जाने. व्हाट अबाउट बुली कुत्ता? बुली कुत्ता लगभग 500-600 साल पुरानी इंडियन पाकिस्तानी मैस्टिफ है. इसका ओरिजिन बेसिकली इंडिया से है, साउथ इंडिया से स्पेशली. और इस डॉग ब्रीड को एक बहुत ही एंशियंट अलेंटू डॉग मैस्टिफ थी इंडियंस, उसको सेल्टिक कोडोबा फाइटर डॉग से क्रॉस करके इस ब्रीड को डेवलप किया गया. और ये आज दुनिया के अंदर बहुत ही बेहतरीन मैस्टिफ मानी जाती है. और स्पेशली इसकी ब्रीडिंग का श्रेय पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान के लोगों को जाता है जिन्होंने इस ब्रीड को लगभग 100 साल पहले डेवलप किया, एक बेहतरीन तरीके से डेवलप किया. और आज पूरी दुनिया के अंदर बुली कुत्ता पाकिस्तानी मैस्टिफ के नाम से जाना जाता है. और इसका जो ब्रीडिंग है बेसिकली आज भी पाकिस्तान के साथ साथ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जैसे स्टेट्स में इसकी ब्रीडिंग होती है. और ये दुनिया की बहुत ही बेहतरीन सुपर स्ट्रॉन्ग मैस्टिफ मानी जाती है. अगर यूँ देखो तो दुनिया के बेस्ट 10 फाइटर डॉग ब्रीड्स, स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग ब्रीड्स, पावरफुल डॉग ब्रीड्स में अगर शुमार कोई रखता है तो पाकिस्तानी बुली कुत्ता उनमें से वन ऑफ द बेस्ट वन इन द वर्ल्ड. और दुनिया के अंदर बहुत ही आज एक अच्छी दृष्टि से बुली कुत्ता को एक फाइंड आउट किया गया है. और इसका जो ओरिजिनल है, ओरिजिन जो मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ इसको इंडियन मैस्टिफ भी कहा जाता है, सिंध मैस्टिफ भी कहा जाता है और अंटू मैस्टिफ भी कहा जाता है. लेकिन दुनिया में आज जो इसका एक ख्याति जो इसको प्राप्त है वो पाकिस्तानी बुली कुत्ता के नाम से ये फेमस है. ये बहुत ही सुंदर बिग एंड लार्ज साइज डॉग ब्रीड है. इसकी हाइट, इसकी लेंथ, इसकी पर्सनैलिटी, इसका फाइटिंग स्पिरिट एक बहुत ही अपने आप में अद्भुत है, बहुत प्यारा है. और आज इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के सुपरस्टार डॉग में इसको जो शुमार मिला है उसको अपनी पर्सनैलिटी, इसको अपने नेचर, अपने बिग एंड लार्ज साइज, अपने सुंदरता से इसको मिला है. और इंडिया के अंदर इसको दुर्भाग्य की बात है कि हमारे, मैं क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, मैंने ऐसा फाइंड आउट किया है कि बुली कुत्ता को बहुत कम लोग आज इंडिया में जानते हैं. कुछ ही पार्ट्स में, कुछ रीजन्स में जाना जाता है. और हमारे जैसे इंडियन मैस्टिफ लोगों का नेचर है कि हम लोग फॉरेन जो डॉग ब्रीड्स हैं लाइक रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, पिटबुल, हस्की, ऐसी बहुत सी ग्रेट डेन, बहुत सी मैस्टिफ को लोग बहुत ही शानदार मैस्टिफ मानते हैं. जबकि हमारी अपनी स्वदेशी नस्ल कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही पार्ट रहा कभी, और इंडियन पाकिस्तानी कल्चर लगभग सेम है. और हमारे इस डॉग मैस्टिफ को लोगों ने भुला दिया, लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया. जबकि आज गर्व महसूस होता है कि इतनी रॉयल डॉग ब्रीड हमारे इंडिया की है, पाकिस्तान की है. और अपनी इतनी सुंदरता के आधार पर आज जब हम इसको लोगों के बीच में जब ये जाता है, दिल्ली में स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में तो बहुत लोग इसको बहुत ही लाइक अ लॉयन, लाइक अ शेर जैसा चलने वाला, इस प्रकार से जब संबोधित करते हैं तो बहुत ही गर्व महसूस होता है. कि अब जब हम लोगों को बताते हैं कि ये हमारी अपनी इंडियन पाकिस्तानी मैस्टिफ है तो लोग और भी हैरानी भरी निगाह से देखते हैं कि हमारे अपने देश की डॉग ब्रीड, अपनी अपनी स्वदेशी डॉग ब्रीड इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है. तो लोगों को और भी गर्व महसूस होता है. और स्पेशल जब हम उनको बताते हैं कि इट्स अ रॉयल वॉरियर मैस्टिफ, अगर यूँ कहूँ कि इसके बारे में, इस मैस्टिफ के बारे में, कि इसे बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट भी कहा जाता है. आज दुनिया इसको इसी नाम से पहचानती है क्योंकि अपनी फाइटर स्पिरिट से दुनिया में अगर कोई बेस्ट फाइटर कोई डॉग ब्रीड है तो उनमें से सबसे बेहतरीन फाइटर, रॉयल वॉरियर, वेरी अल्टीमेट मैस्टिफ अगर कोई है तो बुली कुत्ता है. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. इसके अलावा इस डॉग के अंदर बहुत एनर्जी लेवल बहुत बेटर है. ये अगर जब इसको फाइटिंग के लिए स्पेशल पाकिस्तान में तैयार किया जाता है तो ये 10 से 15 20 किलोमीटर तक की रनिंग कर सकता है. ये स्विमिंग बहुत अच्छी करता है. और इसका जो एक एनर्जी लेवल है बहुत ही बेहतरीन, मैस्कुलर ये डॉग ब्रीड
मानी जाती है और अपने आप में यूं कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट अल्टीमेट मैस्टिफ इन द वर्ल्ड इज आर बुली कुत्ता। प्लीज़ इसको मैक्सिमम प्रमोट करें, इसको मैक्सिमम लोगों को बताएं कि ये इंडियन पाकिस्तानी मैस्टिफ है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द यूट्यूब चैनल स्पेशली जो इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर इस डॉग ब्रीड को प्रमोट करने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर हम लोग भी इस डॉग ब्रीड को समझने लगे हैं और पालने के हम लोगों में जो एक क्रेज़ पैदा हुआ वो उन्हीं लोगों को देखकर पैदा हुआ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द चैनल्स ऑपरेटर जो आज इस डॉग मैस्टिफ को फेमस कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ देम। प्लीज़ वेलकम।